फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट तो आपने सुनी ही होगी कि पीपल आर एसेट्स, बट डू यू रियली थिंक पीपल आर एसेट्स? लेट मी करेक्ट यू, ओनली गुड पीपल आर द एसेट्स, रेस्ट ऑफ पीपल आर लाइबिलिटीज। और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए आई टेक एन एग्जाम्पल। एक स्टोरी है जहां पर एक किसान अपने खेत में काम करता था, मेहनत की उसने, अच्छी फसल उगाई। उसके बाद उसने क्या किया, एक खेत और लिया और ऐसे करके उसने एक बहुत बड़ा एरिया कवर किया और वहां पर वो खेती करने लग गया। अब उसने देखा कि यार ये खेत काफी बढ़ चुके हैं, इनकम भी अच्छी हो रही है अब, लेकिन मैं अकेला इस काम को नहीं संभाल पाऊंगा। तो उसने क्या किया, उसने सोचा यार एक बंदा रखता हूं जो मेरे साथ यहां पर हेल्प करा दे। तो उसने लोगों को बताया कि भाई मुझे कुछ बंदे चाहिए काम करने के लिए। तो कुछ लोग आए और उसने इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया। अब उसने पहले बंदे का इंटरव्यू लिया, दूसरे का लिया, तीसरे का लिया, कि उससे क्वेश्चन पुटअप किए, भाई कैसे तुम देखभाल करोगे मेरे खेतों की और इसके बदले मैं तुम्हें ये सैलरी दिया करूंगा। तो सबने अपने अपने आंसर दिए, भाई मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन किसान जो था वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ और उसने सबको रिजेक्ट कर दिया। फाइनली एक लड़का आया, उसने उससे भी पूछा कि भाई कैसे देखभाल करोगे। तो उसका आंसर तो उसे समझ में नहीं आया, लेकिन उसने कुछ अटपटा सा आंसर दिया और उस अटपटे आंसर के कारण उसने उसे अपने पास रख लिया। उसने आंसर किया कि जब ठंडी हवा चलेगी तो मैं चैन से सो सकता हूं। अब उसे इस बात का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन बच्चा दिखने में अच्छा था और उसने कहा कि यार चलो कोई बात नहीं, अब कोई बंदा मिला तो है नहीं, चलो रख लेते हैं इसे। तो उसने उसे रख लिया काम पर। अब दोनों मिल करके वो देखभाल करने लग गए, अपना बढ़िया से फसल काटते, देखभाल करते, गाय भैंसों को भगाते और इस तरीके से करके अपने खेत की रक्षा करते और बढ़िया काम करने लग गए। काफी टाइम गुजर गया। अब अच्छे समय के साथ साथ कई बार बुरा समय भी आता है। एक बार की बात थी, रात का टाइम, किसान अपने घर पे सोया पड़ा, अचानक उसने देखा कि बिजली बहुत तेजी से कड़क रही है और बाहर निकला तो इतनी तेज हवाएं और सब कुछ तहस नहस हुआ पड़ा है उसके घर के आसपास और भयंकर तूफान मचा हुआ है। अब वो भागा भागा गया उसके कमरे में लड़के के, उसने कहा कि तू यहाँ पर लेट के सोया पड़ा है, तुझे तो यहाँ पे इस समय खेतों में होना चाहिए और चल मेरे साथ खेतों में और जाकर देख। बट उसे कोई होश ही नहीं है, वो आराम से सोया पड़ा है, नींद में आंख खोली थोड़ी सी बड़बड़ाया, मैंने तो पहले ही कहा था जब ठंडी हवा चलेगी, बढ़िया हवा चलेगी तो मैं चैन से सो सकता हूँ। उसने कहा यार ये किस बंदे को रख लिया मैंने, ये तो बिल्कुल पागल निकला। अब और क्या करता, फटाफट उसने खुद अपने कपड़े पहने और पहुंचा खेतों में। तो देखा कि सारे गाय भैंस जो अपने तबेले में है, घास फूस है वो प्रॉपर बंधा हुआ अपनी जगह पर रखा हुआ है, सारी फसल कट कुटा करके अपनी अपनी जगह पर है, बिल्कुल सब कुछ सेफ है। अब वो वापस आया दोबारा, कहता मैंने कहा था ना कि जब हवा चलेगी तो मैं चैन से सो सकता हूं। तब उसे उस बात का मतलब समझ में आया कि इसका मतलब, इसका कहने का मतलब ये है कि काम मैं तब नहीं करूंगा जब बिल्कुल अर्जेंट होगा, उस अर्जेंट होने से पहले, उस तूफान आने से पहले ही मैं उस काम को कर चुका हूंगा। और स्टेटमेंट भी आपने सुनी होगी, आवश्यक कार्य को अति आवश्यक होने से पहले कर लेने चाहिए। इस तरीके के पर्सन जिन्हें हम कहते हैं अकाउंटेबल, इस तरीके के पर्सन जहां पर भी होंगे, दीज पीपल आर कॉल्ड एसेट्स। आप मुझे बताइए कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या आप कोई भी काम करते हैं तो क्या आपको इसी टाइप के कैंडिडेट्स चाहिए या ऐसे बंदे चाहिए जो आपके सामने तो बहुत मीठा मीठा बोले लेकिन आपकी पीठ पीछे कुछ भी काम ना करें? बताइए। ऑफ कोर्स ऐसे लोग चाहिए जो टाइम से, मुसीबत आने से पहले काम को खत्म करके रखे, इसे कहते हैं अबव एवरेज पर्सन। हम सबको ऐसे लोग चाहिए। आप मुझे बताइए, क्या आप किसी एवरेज डॉक्टर से अपना इलाज कराना चाहेंगे? क्या आप किसी एवरेज टीचर से अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे? क्या आप बिलो देन एवरेज या एवरेज बंदे से अपनी बेटी की शादी करना चाहेंगे? क्या आप बिलो देन एवरेज ट्रेनर से ट्रेनिंग लेना चाहेंगे? कभी नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम ऐसे लोग तो चाहते हैं बट खुद ऐसा बनना नहीं चाहते। और जिस दिन आप ऐसा बन जाते हैं तो यकीन मानिए आपका कोई कंपटीशन नहीं है। आप चाहे जिस भी फील्ड में हैं,
आपकी बाहरी डिमांड है। हर कोई पर्सन चाहेगा कि ऐसे लोग हमारे साथ रहें, हर कोई चाहता है कि एक अबव एवरेज टीचर हमें पढ़ाए, एक अबव ट्रेनर हमें ट्रेनिंग, अबव एवरेज ट्रेनर हमें ट्रेनिंग दे, एक अबव एवरेज डॉक्टर हमें हमारा ट्रीटमेंट करे। बट प्रॉब्लम यही है कि हम खुद वैसा नहीं बनना चाहते, और जिस दिन आप ऐसा बन जाते हैं उस दिन आपकी बाहरी डिमांड है। एवरेज पर्सन की डेफिनेशन जानना चाहेंगे? एवरेज पर्सन कौन होता है? आपको मजा आएगा सुन करके। एवरेज पर्सन वो होता है जो वर्स्ट पीपल में बेस्ट है और बेस्ट पीपल में वर्स्ट है, उसे कहते हैं एवरेज पर्सन। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं आप उसमें एवरेज रहना चाहते हैं या बेस्ट रहना चाहते हैं। आप जो भी काम करें, मेरी रिक्वेस्ट यही है आपसे, चाहे आप टीचिंग करते हैं, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, जस्ट मूव फॉर द बेस्ट, क्योंकि हर कोई आदमी अपने साथ बेस्ट लोगों को ही रखना चाहता है। इसी टॉप के साथ ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।